पौड़ी में यातायात सुरक्षा अभियान के तहत 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले, रैश ड्राइविंग करने वाले और ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान SSP श्वेता चौबे ने कहा कि इस पुलिस ने अभी तक 20 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं, जबकि 18 वाहनों को सीज कर दिया है। इसके साथ ही फुटपाथ पर बनी गैराजों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोटद्वार श्रीनगर में सड़क के किनारे खड़े वाहनों को भी हटाया जा रहा है और ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये पूरे जनपद में एक 15 दिवस का अभियान चलाया गया है जो कि 15 दिसंबर से चालू हुआ है, और इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु दिए हैं अभियान में वो नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ, रैश ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, इनके खिलाफ कार्रवाई हेतु ये अभियान चलाया गया है। और पिछले 5 दिनों में काफ़ी अच्छी कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की गई है। इसमें लगभग 180 से ज़्यादा वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसमें 25 से ज़्यादा वाहन जो हैं उनको सीज किए हैं और इनके लाइसेंस भी जो हैं वो निरस्तीकरण के लिए संबंधित विभाग में प्रेषित किए गए हैं। और लगातार इसमें यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार से आमजन की भी ये अपील थी और उनके द्वारा बोला गया था कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा सड़कों में हो रखा है और उस अतिक्रमण को लेकर भी श्रीनगर में और कोटद्वार में अभियान चलाया गया है। और जनपद की अन्य जो हमारे और शहर हैं जैसे पौड़ी, रिकनीखाल, थलीसैंण, यहाँ पे भी जो है अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था को हम और अधिक सुचारू रूप से चला सकें।